राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वार में स्थित विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम आमजन के लिए खोल दी जाएगी। आपको बता दें कि विश्वास स्वरूपम का विश्वास प्रत बीते माह के अंतिम सप्ताह में ही मोरारी बापू की रामकथा के माध्यम से किया गया था। अब यहां आम आदमी भी जा पाएगा। प्रवेश के लिए व्यक्ति के पास टिकट होना जरूरी, 200 रुपए रखी गई है एंट्री फीस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर दौरे पर होंगे। आरएसएस के विश्व संवाद केंद्र जोधपुर की ओर से आज एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सिन सिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव, भाजपा नेता कपिल मिश्रा, इन्फ्लुएंसर अजित भारती और पूर्व न्यायाधीश एचआर पवार शामिल होंगे। उदयपुर में आज से व्हीलचेयर क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन होगा। इसमें 16 टीमों के 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। खेड़ा, नेत्रंग और सूरत में ये जनसभाएं होगी। पीएम सूरत में रात्रि विश्राम भी करेंगे। मध्य प्रदेश पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर पहुंचेगी। यहां यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही आज राहुल गांधी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की बेरोजगार महापंचायत में शामिल होंगे। इस बेरोजगार महापंचायत में 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा शामिल होने का अनुमान है। ये इंदौर में होगी। काशी तमिल संगम को विस्तार देते हुए आज T20 काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम का आयोजन वाराणसी के जय नारायण इंटर कॉलेज रामपुरा के मैदान में होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 3 मैच खेले जाएंगे। आज रविवार को 2 मैच खेले जाएंगे। हरिद्वार में भगवा हिंदू सेना द्वारा श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के लिए श्रद्धांजलि यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची भी शामिल होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट राउंड काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग यानी पसंदीदा विकल्प चयन करने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। नीट पीजी स्टेट राउंड काउंसलिंग के लिए सीट आउटन की प्रक्रिया आज से होगी। परिणाम 29 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला हैमिल्टन के सेंडल पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे को जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई हुई है।